जा रहा है लाफ्टर के ग्रैंड फिनाले का आगाज। आज लाफ्टर के एवरेस्ट पर अपना झंडा गाड़ने आ रहे हैं नितेश शेट्टी, जय विजय सचान, विघ्नेश पांडे, हिमांशु बवंडर एंड रजत सूद। It's like from amateur to professional and the result is amazing. Wouldn't you agree with me, judges? Absolutely. Absolutely. बड़ी खूबसूरत जर्नी रही, आसान नहीं रही आप लोगों के लिए। 50 के करीब कंटेस्टेंट्स उसमें से लड़ते झगड़ते, तलवारें तोपें सब कुछ करते गिरते पड़ते आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, बधाई के पात्र हैं। All of you are looking like billion bucks. You know, हर चेहरा जो मैं देख रही हूँ मेरा दिल उसके साथ। I've fallen in love with each one of you today. Give your best guy. We, the audiences are with you. And all the best to all of you. Before we move forward with the rest of the show, let us invite someone very special to join us on the stage today. Aaj hamare studio mein aaye hain Liger Sala Crossbreed ke stars. Very handsome and phenomenal star who makes women go crazy, Vijay Devarakonda. And the very pretty and vivacious Ananya Pandey. First of all, welcome, welcome. You both look lovely and I think you're creating a craze across the country, both of you right now. Thank you so much. Sabhi ko shukriya. Such warm welcome. My namaste to Shekhar sir and Archana ma'am. It's lovely to see you all live. Lovely. And all the best to all the contestants. I look forward to what you guys are doing. This is Anna. Hi. Yes. That's Anna. Delightful. My competition. Anna. Anna? Did you say hi, Anna? Yeah, I'm trying. It's very difficult. Look at him. Oh. थोड़ा scary है Anna. रात में suddenly देखा तो शायद डर जाऊँगा. थोड़ा time लेके देखो, मजा ही आ जाएगा. Well, this movie is already out and people are going crazy for it. What would you like to tell our audience about the film? Please, please, please go watch it. It's released worldwide in a theater next to you, in a theater far away. Just please go and watch it. All right, let's hear it for the Liger stars, ladies and gentlemen. Please join us. Thank you. इस सीजन की असली ट्रॉफी अब हम आपको रिवील करने वाले हैं। आर यू गाइज रेडी? Ah!
शेखर जी नमस्ते, अर्चना जी नमस्कार, विजय जी और अनन्या जी नमस्ते। आज तो ट्रॉफी देने के लिए भी आए हैं, ट्रॉफी हम हैं। हमसे कहा था कि फिनाले में क्यों, पहले क्यों नहीं, तो यहाँ पे जो डायरेक्टर साहब थे कहने लगे नहीं फिनाले में ही आओ, उससे पहले ऐसा ना हो कंटेस्टेंट का तुम्हें देख के जीतने का मन ही ना करे। हमने कहा फिर फिनाले में क्यों, तो कहने लगे 25 लाख है टिक जाएंगे ये लोग, ऐसी बात नहीं है 25 लाख मिलने वाला है। हाँ। अरे वाह, आज तो ऑल द बेस्ट है। सुनिए, आज एक विनर होने वाला है। हाँ। चार लोग विनर नहीं होने वाले। विनर का तो क्या है, आ आ आ कर लेगा बाद में जीत के। हाँ। तो विनर नहीं है वो क्या करेगा, क्या करेगा, बड़ा सवाल। इतना बड़ा भी नहीं है। अच्छा सुनो, अभी जो विनर है वो तो शेखर जी एक ही है, ट्रॉफी तो एक ही लेके जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन टेंशन नहीं लेना, जीत हार होती रहती है और हारने वाले को लूजर कहते हैं लोग, ठीक है। और बहुत अच्छे से आप लोग किए हैं, चीप कॉमेडी नहीं किया है आप लोगों ने। कई लोग क्या करते हैं, चीप करते हैं, घटिया करते हैं, निचले स्तर की करते हैं, जब चुटकुले खत्म हो जाते हैं तो साड़ी पहन के आ जाते हैं जेंट्स, ऐसा नहीं किया। हम देख रहे थे इस बात पे सबसे ज्यादा खुश कौन होता है, पता चल गया। ऐसा नहीं किया आप लोगों ने, जो जेंडर है वैसा किया है। एक अनन्या जी, जी हमारा एक देवर है, आपका बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। क्या बोलो, हमारे फीचर्स बताइए ना, क्या 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 ये कह रहा, हमारे पितु तेरे में 2 GB लगा हुआ, तेरे फीचर बताए। थप्पड़ यहाँ मिला, ये गाल को क्यों पकड़ रहे हो? देखो इतना बड़ा नालायक है, इधर हमारा इधर पकड़ रहा है, उन्होंने पकड़ लिया। इसका टैलेंट बहुत है, पजामे में नाड़ा डालते हैं ना, तो पेन में नाड़ा लगा के डालते हैं, ये सीधा मुंह में डाल के घुस जाता है। वाह क्या टैलेंट है। और ये सबसे बढ़िया काम तो गुस्सा करने के बहुत काम आता है। हाँ। इतना मारो इसको, ये नहीं करता, देखो देखो। अरे हाँ बोल, अभी क्या करना है? गाना, गाना वाला। क्या गाना? गाना, गाना बहुत अच्छा गा लेता गाना है। बहुत, प्लीज गाइए मेरे लिए। क्या गा? गा सी शार्प। सी शार्प। तू चीज बड़ी है मर। इतना चांस है वो भी टूट जाएगा तेरा, चल जा, रुकना मत, नहीं तो ऐसा मारूंगी तेरे को। अच्छा सुनो, अभी हम वहाँ बैठते हैं, थोड़ा ट्रॉफी है, प्रोग्राम शुरू करते हैं, फिनाले का दिन है, वहाँ बैठते हैं, ठीक है? एक मिनट, यहाँ क्यों नहीं है सीट हमारा, बैठो नीचे, हम ट्रॉफी हैं, ऐसे नीचे बैठते अच्छे लगेंगे क्या? कब को खुशी दिया हुआ है, चलो ए लड़की कल शुरू कर। खत्म हो गया आपका? हाँ। अरे हमारा तो चलता रहेगा, अभी खत्म नहीं हुआ है।
जो स्टोरी सुनाते हैं उन्हें किस्सा गोई कहते हैं, और जो किस्सों में मजेदार ट्विस्ट एंड टर्न्स लाते हैं उन्हें लाफ्टर के सुरमा कहते हैं। अपने लाफ ट्रैक पर बड़ी तेजी से आ रहे हैं उज्जैन एक्सप्रेस से हिमांशु पवनकर। रिंकू भाभी, नाम तो कम से कम पूरा स्त्रियों वाला रख लेती। एंड नाउ रोशेल, एज यू नो पीपल कॉल मी बवंडर। अंग्रेजी, बट यू कैन कॉल मी टुनाइट। मेरे मोबाइल फोन पे, क्योंकि फिनाले के बाद तुम भी फ्री हो, हमारे पास भी कोई काम नहीं है। अच्छा शेखर जी, हाँ जी, इस हिंदुस्तान में चिंतन कोई नहीं कर रहा, सब चिंता कर रहे हैं। बिल्कुल, आज भी हम चिंता कर रहे हैं कि कौन जीतेगा, आने वाला समय कैसे बीतेगा, 25 लाख में कौन सी गाड़ी आएगी, जिगरों से बीड़िया कैसे जलाई जाएगी। एक आदमी ने पंडित को हाथ दिखाया, बोले बताइए कौन सा धंधा फलेगा। पंडित बोला दारू की दुकान के बाहर चखने का ठेला लगा ले, खूब चलेगा। और जब से अर्चना जी आपने ये घोषणा करी है क्या कि जीत में 25 लाख रुपए मिलेंगे, मेरी जीत की सबसे ज्यादा प्रार्थना वही कर रहे हैं जिनसे मैंने उधार पैसे ले रखे। प्यार मोहब्बत भी टेंशन का ही काम हो गया है आजकल। क्यों रिंकू भाभी, हमारे उधर का एक लड़का था गांव का, हाथ धो करके 5 दिन तक एक लड़की के पीछे पड़ा रहा। एक दिन लड़की ने मुंह धोकर बताया, तब जाकर के मामला शांत हुआ। अरे गुरु, भाषा समझते हो आप लोग जी? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई कार एकाएक स्पीड ब्रेकर पर उचक जाए या गरम गरम चाय कॉफी आपके ऊपर गिर जाए तो अंतर आत्मा से पहले जो दो वाक्य प्रस्फुटित होते हैं केवल वही भाषा है। बिल्कुल, बाकी तो सब व्याकरण है शेखर जी। व्याकरण, कुछ लोग इसे गाली भी कहते हैं। वैसे गाली होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। अत्यधिक क्रोध आने की अवस्था में शारीरिक रूप से हिंसा ना करते हुए मौखिक रूप से की गई हिंसात्मक कार्रवाई के लिए चुने गए शब्दों के कुछ विशेष समूह जिनके उच्चारण के बाद मन को परम शांति का अनुभव होता है। बिल्कुल, उसे हम गाली कहते हैं। सर हर जगह परेशानी है, आप देखिए भाषा C++ और जावा में अटके हुए लोग बाग, हिंदी इंग्लिश इतना परेशान कर देती है जिसकी कोई हद नहीं। शेखर जी आप रसम को ही ले लीजिए, उत्तर भारत में निभाई जा रही है, दक्षिण में खाई जा रही है। सर इतनी ज्यादा वैरायटी है ना हमारे हिंदुस्तान में, और भाषा की ऐसी तैसी हमने की है। हम आज तक हमारे घरों में गेहूं की जगह आटा पिसा रहे और पानी की जगह हमारे यहाँ नल आ रहे। सर आप किसी से रेंडमली पूछ लीजिए शर्मा जी कहाँ गए, वो सीधा आपको पलट के एक ही जवाब देगा, काम से गए। वो पिछले दिनों में एक जगह सफर कर रहा था, ट्रेन पे एक लड़की खड़ी हुई थी, पीछे से बंगाली आके लड़की से बोला हॉट। लड़की ने ऐसे देखा, नजरअंदाज किया, फिर दूसरी बार बोला हॉट। भाई शर्म नहीं आती बदतमीज आदमी, और दरवाजे पे से हॉट। अच्छा अर्चना जी, मेरी पसंदीदा जो भाषा है ना वो है गुजराती। तो ढोकला फाफड़ा थेपला गोटा लोचा बदूज खावानू पर काम नहीं करवानू खोटू। शेखर बाबू, गुजराती में शक्कर को खांड बोलते ने नमक को मीठू, बताओ। मैं सही बता रहा हूँ सर, मुझे तो इंग्लिश मेरी कमजोर थी तो मैडम ने टिप दी कि इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज जस्ट वॉच इंग्लिश मूवीज। मैंने इंग्लिश मूवी देखना चालू करी, भाषा तो मेरी सुधरी नहीं। कैरेक्टर बिगड़ गया। हाँ सर यही हुआ, फिर घर वालों ने मार मार के वो सुधारा। मैंने अर्चना जी को टेक्स्ट किया, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी इन द इवनिंग। अर्चना जी ने तुरंत रिप्लाई किया, बोले तेरे को नालायक 1000 बार समझाया, जब अंग्रेजी आती नहीं है तो टाइप मत किया कर। मैंने कहा मैंने इसमें क्या गलत लिखा, बोले बेवकूफ तूने विस्की की स्पेलिंग पूरी की पूरी गलत लिखी हुई है। शेखर जी दो भाषा चल रही है हमारे हिंदुस्तान में, एक चल रही इंग्लिश और एक हिंग्लिश। अभी पिछले दिनों मैंने सुरिंदर पाजी का स्टेटस देखा, 4th day इन उत्तराखंड एंजॉयिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैंने नीचे लिख दिया वाह बधाई, लगता है छुट्टियां हैं। इनका पलट के जवाब आया, नालायक तू तेरा काम से काम रख, मुझे तो लगता है तू छुट्टियां है।
अर्चना जी एक बार ध्यान से इंग्लिश का आप अध्ययन कीजिए, आपको पता चलेगा ये भाषा तो अपने ही अक्षरों की सगी नहीं है। बिल्कुल। नो में के साइलेंट, साइकोलॉजी में पी साइलेंट, ये अक्षर साइलेंट क्यों है? क्या ये शादीशुदा है? शेखर जी, स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी से ज्यादा तकलीफ तो इस शब्द का उच्चारण देता है। और अगर गलती से कोई मेरे जैसे आदमी को स्पेलिंग लिखने के लिए बोल दे तो नॉर्मल आदमी को भी स्पॉन्डिलाइटिस हो ही जाता है। अच्छा, कुछ भाषाएं अर्चना जी ऐसी होती है रिंकू भाभी जिसकी ना व्याकरण होती है ना शब्द, लेकिन समझ में पूरी आती है। चौराहे पे एक पुलिस वाला लट्ठ लेके खड़ा है, एक शब्द नहीं बोलेगा समझ में पूरा आएगा। ऐसी एक मौन भाषा होती है सर डॉक्टर की। अगर डॉक्टर सिरिंज लेकर के खड़ा है, उसके सामने कितना ही पहलवान आदमी लेट जाए, डॉक्टर बोलेगा अर्चना जी बॉडी ढीली छोड़ो, किसी के बाप की ताकत नहीं है उस मूवमेंट पे बॉडी ढीली छोड़ दे। और शेखर जी, आप मेरी इस बात से इत्तफाक जरूर रखेंगे कि कुछ भाषा ऐसी होती है जिनकी व्याकरण भी होती है, जिनकी शब्दावली भी होती है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आती। महिलाओं की भाषा। अभी रजत अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ रहा था, इसकी गर्लफ्रेंड इसको समझा रही थी, बोले तुमसे मैं बहुत नाराज हूँ, तुम सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हो। तो ये अपनी स्टाइल में बोला, वही तुझे समझाने की प्रयास कर रहा हूँ, मुझ में और शेखर जी में कोई भी फर्क नहीं है। अच्छा शेखर जी, देश में और समाज में सबसे ज्यादा टेंशन कौन देता है आप लोगों को पता है? रायचंद लोग, जो बात बात पे आपको राय देते हैं। इंटरनेट की भाषा में इनको ज्ञान छोड़ कहते हैं। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब ये आते हैं तो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। अर्चना जी, ये आपको आके बताएंगे कि फ्रिज लेना हो तो ठंड के महीने में खरीदो, सस्ता मिलेगा। वो आदमी पत्नी को बस में कैसे करे इस पे राय देता है जिसकी खुद की पत्नी बोल रही होती कि अगर तपेले में से थोड़ा भी दूध बाहर आया तो तुम्हारे दोनों तपेले जला दूंगी। मेरा एक दोस्त म्यूजिक लवर है, तो उसको किसी ने राय दे दी, बोले तू टैटू करवा ले। उसने यहाँ पे गिटार बनाया, यहाँ सितार बनाया, यहाँ उसने सैक्सोफोन बनाया, यहाँ हारमोनियम बनाया, और तबले उसने वहां बनाए जा दिखते नहीं है। सीने पे। सीने। उसने अपनी कला को दिल में बिठाना था ना, इसलिए उसने सीने पे बनाया। सुरिंदर पाजी, जैसा जैसा तुमने बोला था वैसा वैसा मैंने भी बोल दिया है। और मैं आपको बता रहा हूँ भाभी, आप तो खैर जानती है, जब दो औरतों के पास में काम नहीं होता है तो या तो वो तीसरे की चुगली करती है या चौथे के रिश्ते और शादी की बातें करने लग जाती है। ऐसे ऐसे नहीं अर्चना जी, आप खुद जानती हैं कि शादी एक ऐसा मसला है जो बाबा आदम के जमाने से चला आ रहा है। जिसकी हो गई वो भुगत रहे हैं, जिसकी होगी इंशाल्लाह भुगतेंगे। ये शादी एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर कुंवारे वाइब्रेट मोड पे और शादीशुदा साइलेंट मोड पे एक्टिवेट हो जाते हैं। सर, चार दिन पहले ससुर जी का फोन आया, बोले हिमांशु जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा सहन। मैंने कहा ये क्या बला छोड़ रखी है, छाती पे पांव ताने तनी रहती है। तो उधर से ससुर जी इमोशनल हो गए, बोले बेटा मेरे बारे में सोचो। मैं तो इसकी भी माँ के साथ निभा रहा हूँ। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, कोई तवज्जो नहीं दे रहा, पड़ोसन आ गई, मैं बर्तन मांज रहा था। कहने लगी बहुत अच्छे मांझते हो, हमारे भी मांझ दिया करो, क्या लोगे? मैं भी घूमा, मैंने कहा वही दे देना जो बीवी देती है। सर, आधी घंटे बाद आके वो कपड़े दे के चली गई, बोले मैंने देखा है भाभी जी आपको बर्तन मांझने के बाद कपड़े ही देती है। और आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, जितनी सारी चीजें हैं महिलाओं से रिलेटेड है, पूजा, प्रार्थना, आरती, अर्चना, ज्योति, बाती,
पुष्पांजलि और हमारे नाम पे क्या है, एक बजने वाला घंटा। My face is hurting. Too much fun. It was amazing. Bhavandar साहब, आपने आज वहाँ पर धुआं उड़ा दिया है यार। आप छोटा पैकेज, सरप्राइज पैकेज। बहुत। ये धुरंधर हैं, ये बवंडर हैं। हाँ। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर। जी। एक दो संवाद मेरी घरवाली से भी कर लो सर, नहीं तो घर पे बवाल होगा। नमस्ते। Hi, what's your name? लता शर्मा। Nice तो अब कैसा लग रहा है कि अब आपके सामने इतना मुंह चिहाड़ चिहाड़ के ये बोल रहे हैं? ये सिर्फ नहीं बोल सकते हैं, घर पर नहीं। आप तो बोलने का हक इनको बनता है, सब लोगों के जनता के सामने बोल गए। बोलने दीजिए ना, यहीं तक बोलेंगे। शो खत्म होने के बाद नहीं होगा। आप ही नाम के ही पवंडर निकले, बताइए। बहन हमारी सेम ही कहानी है दोनों की। बस जैसे आप कह रहे हो हमारे पति भी नाम के ही बवंडर है। ये ना मैं चाहता हूँ कि समाज में मैसेज जाए क्या, कि जब घर में ऐसी हो और उसके बाद आदमी कॉमेडी कर रहा हो वो कितना मुश्किल होता है। मैं अभी तक लग रहा था आप कॉमेडी कर रहे हैं, अब लग रहा है सच्चाई बता रहे थे आप। ये आपकी व्यथा थी जी। अरे 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 ए बवंडर। अरे ले 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 ले। कहाँ ले जा रही हो? कमाल हो गया भाई। अरे वाह अरे। हाँ टू गुड यार, टू गुड। देखो देखो जिसकी अमानत है उसको दे दो। बैठो बैठो यहाँ, बैठो इधर इधर आओ थोड़ा, ये तो इधर आओ ना, हमको इधर बैठने दो। इधर बैठो बैठो जीजी जीजी। कैसे काबू में करके रखा है, ऐसे कैसे कर लेती हैं आप? कुछ नहीं बस आंख दिखा दीजिए। हमने तो बहुत आंख दिखाया, हमारी आंख देखते ही नहीं। अब उठा के तो लिया है लेकिन अभी क्या है, अभी फिनाले का टाइम है और रिजल्ट आने वाला है। आओ बवंडर जी, मिलते हैं जी जी। लेट मी कन्फेस, हम लड़कियों को दिल फेक आशिक बिल्कुल पसंद नहीं, पर अगर आशिक क्यूट हो, उसके आईज में सैडनेस हो, वो पोएट्री करता हो और स्प्रिंग की तरह उचलता हो, तो भाई वी वुड लव टू लिसन टू हिम। Please welcome the comedy king, Rajat Su. Ananya ji, namaste. Namaste. कैसे सर? एक तो मेरी अनन्या आपसे एक शिकायत है। क्या? कि आपके चक्कर में लड़के पढ़ नहीं पा रहे। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की है कि बॉलीवुड वाले वेकेशन पे निकलते हैं, हमारा ध्यान वहां लग जाता है। अभी आप पीछे मालदीव्स गए थे, मेरा एक दोस्त लगा वो कह रहा अनन्या मालदीव्स पहुंच गई। कह रहे ब्रेकफास्ट में उसने ऑरेंज जूस पिया। कह रहे दोपहर में स्विमिंग करी थी, मुझे डर है टैनिंग ना हो जाए। मैंने कहा इतनी केयर अपनी स्किन की कर लेता। और मैम आपकी वो इतनी, आपने बीच में दो घंटे स्टोरी नहीं डाली, वो बेचैन हो गया, कह रहा कहीं सॉल्ट वाटर से एलर्जी तो नहीं होगी। और वो आपकी इतनी अपडेट रख रहा था कि इस चक्कर में वो फेल हो गया। तो मैंने तब आप पर एक शेर लिखा, इरशाद के पलट कर देखते हैं तुमको, हाय हाय, आगे बढ़ नहीं पाते। वाह वाह वाह। के पलट कर देखते हैं तुमको, आगे बढ़ नहीं पाते, किताबे हुस्न पढ़ते हैं, सिलेबस पढ़ नहीं पाते। हेलो विजय सर। नमस्ते। ये मेरा साउथ इंडियन मूवी के लिए ऑडिशन था। सर आपकी एक मूवी आ रही है लाइगर, लायन और टाइगर को मिलाकर, आपसे इंस्पायर होके मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरा नाम सुत्ता रख दिया है। सुअर और कुत्ता। सुत्ता सुत्ता
वाह वाह। पर खैर मैं अपनी आशिकी पर आता हूँ। जी जी सर, जैसा मैंने आप सभी को बता रखा है कि जैसे कुछ लोग जो है वो स्कूल के बाहर प्यार करते हैं, कुछ लोग कॉलेज के बाहर प्यार करते हैं, मैंने औकात के बाहर किया था। और मैम वो ना मेरे कॉलेज में पढ़ती थी, रिया नाम था उसका। हाय हाय। रिया विद एच, आर आई वाई ए एच। रिया। ऐसे अमीर माँ बाप करते हैं सब। ये लास्ट में एक लेटर और डाल देंगे, देखो फिर कैसे है। तो ना वो मेरी औकात के बाहर थी। हाँ। एक तो इसलिए सर क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर थी। हाँ। उसके मेट्रो कार्ड में 4,500 रुपए थे। ओहो। मेरे बैंक में नहीं है। मैम उसकी पॉकेट मनी इतनी ज्यादा थी कि वो पॉकेट में ही नहीं आती थी। हाँ, हाँ हम उसे पर्स मनी कहते थे। पर्स मनी। उसकी पर्स मनी देखकर मैं अपनी पॉकेट मनी को माउथ मनी कहने लगा था। क्योंकि 10 रुपए का सिक्का तो आप जीप पर भी रख सकते हो। एक बार उसके पापा ना उसे कैश में पॉकेट मनी दे रहे थे। हाँ। मुझे लगा गाड़ी की डाउन पेमेंट कर रहे हैं। दूसरा रीजन ये था सर कि वो मेरी औकात के बाहर थी क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थी। वाह। अनन्या तुम रिलेट करोगी। तुम रिलेट करोगी। मेरे दोस्त आपस में शर्त लगाते थे। एक दोस्त कहता कि अगर वो तेरे साथ डेट पर चली गई तो मैं कॉलेज ही छोड़ दूंगा। मैंने कहा जिस हिसाब से तेरे नंबर आ रहे हैं तुझे कॉलेज वाले निकालने ही वाले हैं। बहुत अच्छे। तो सर मैंने तब अपनी प्रेम कहानी पर एक गीत लिखा। वाह। इरशाद। और देखिए जिस कला के मंदिर में मैं पूजा करता हूँ वहाँ कुमार विश्वास साहब की मूर्ति लगाई जाती है। वाह वाह। तो मैंने एक शरारती सी कोशिश की है उनके एक बहुत मशहूर गीत पर अपनी प्रेम कहानी को लिखने की। अच्छा। कि तुम व्हाट्सएप की डीपी हो, ओहो, मैं दिखता हूँ आधार सा। बहुत। कि तुम व्हाट्सएप की डीपी हो, मैं दिखता हूँ आधार सा। तुम महंगे मॉल सी सनम, मैं सस्ते शनि बाजार सा। कि तुम कटरीना का बदन हो, मैं श्रीदेवी की साड़ी हूँ। मुझे तुम ओढ़ लो खुद पर, है थोड़ा कम आसार सा। और सर मैम उसकी ना जैसे हंसी भी बहुत क्लासी थी। हाँ। जैसे हम लोग कैसे हंसते हैं सर, अगर दिल खोल के हंसते हैं ताली वाली बजा देते हैं। हाँ। हमारी अर्चना मैम तो ऐसी हंसती हैं कि 3 गली दूर तक पता लगता है। मैम उसे बहुत हंसी भी आती थी ना, तो वो ऐसे जेब से हैंकी निकालती थी, मुंह पे रखती थी और कहती थी लॉल। तो मैंने तब अगला बंद लिखा था। कि तुम बादशाह का गाना हो, मैं गजल ए गुलजार सा। तुम फ्राइडे नाइट की महफिल हो, हाय हाय, मैं सूखे सोमवार सा। कि तुम रात गई बिजली के जैसे नींद उड़ाती हो, वाह वाह, मैं लोरी सुन के माँ की सजते हुए खुमार सा। मैम वो कॉलेज में गाउन पहन के आ जाती थी। कॉलेज में? कॉलेज में। हमारे यहाँ लड़कियां शादी में नहीं पहन पा रही। पहन पा रही सही, कई माएं सगाई तक लड़कियों को मना रही होती हैं। हाँ, हाँ। देख ले सूट सलवार से बात बनती है तो गाउन के पैसे की तेरे पापा एफडी करा देंगे। मैम एक तो लड़कियों की ड्रेसेस के ना नाम बड़े प्यारे हैं। हाँ। ऐसे रिया रोज यही बताती थी। हाँ। काफ्तान, स्पेगेटी, प्लाजो। प्लाजो तो ऐसा नहीं लगता किसी फैशन मैगजीन का नाम है। हाँ, है ना, कि एयरपोर्ट के किसी महंगे स्टॉल में लगी हुई है। कवर पेज पर अनन्या पांडे की फोटो है। हाँ। लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, डिड यू लाइक द लेटेस्ट एडिशन ऑफ प्लाजो। The fashion is graceful there. Mm. Look at it. No, I'm reading spaghetti these days. और वहीं आप देखो मैम, लड़के नॉर्मल कपड़े का नाम भी इतनी बदतमीजी से लेते हैं ना कि आपका पहनने का मन नहीं करेगा। मेरे हॉस्टल का रूममेट था, रोज ही बूशर्ट पकड़ा दो, क्या है बूशर्ट।
एक दिन मेरे से कह रहा आज हम पेंटे धोएंगे, मतलब पेंटे क्या होता है भाई, पेंटे पैंट्स कह लेना, पेंटे लवली। एक दिन कहता आज हमारा सजने का मन है ब्लेजर दे दो, मैंने कहा भाई मत पहन तू। बहुत बढ़िया। और मैम एक तो ना लड़कों में इनोवेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैम लड़के शॉर्ट्स को कहते हैं निक्कर, निक्कर बॉक्सर्स को कहते हैं निक्कर, और कैपरी को कहते हैं लंबी निक्कर, और बनियान को कहते हैं ये कौन पहनता यार। तो मैंने तब अगला बंद लिखा था, तुम हॉलीवुड की पिक्चर हो, मैं हूँ सनीमा बिहार का, हाय हाय। तुम फैशन मैगजीन में रोग के इश्तेहार सा, हाय हाय। लवली। तुम्हें सब लोग डॉलर यूरो जैसे अहमियत देंगे, मुझे ना पूछता कोई हूँ जैसे नोट हजार का। मैं ना पंजाबी हूँ, पंजाबियों ने एक चीज को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है वो है पराठी। कुछ भी हो घर में पराठे। मम्मी भूख लगी पराठे खा ले, मम्मी बहुत भूख लगी बहुत पराठे खा ले। मैम मैं स्कूल में 12 साल टिफिन में पराठे लेकर गया हूँ, बच्चों को लगता था मैं ढाबे में ही रहता हूँ। और मुझे पता ही नहीं था नाश्ते में पराठे के अलावा भी कुछ और होता है। वो तो मैंने एक दिन कॉलेज में रिया के साथ नाश्ता किया सर। ओहो, रिया अगेन। तो रिया ने अपना लंच खोला, उसने बोला कि तुम क्या लाए हो, मैंने कहा वही पराठे। मैंने कहा तुम, कहती ब्रुशेटा। मैम उसका ब्रुशेटा सुन के मेरा पराठा फट गया। मैम मेरा पराठा खुद टिफिन बॉक्स में वापस चला गया, एल्यूमिनियम फॉइल से लपेट रहा था खुद को, कह रहा ब्रुशेटा के सामने बाहर नहीं आऊंगा मैं। वाओ, वेरी नाइस। तो अगली बार मम्मी ने पूछा क्या खाएगा, मैंने कहा ब्रुशेटा। मम्मी ने थप्पड़ मार दिया, कहती इंग्लिश पिक्चरें देख के गंदी गंदी बातें सीख गया। तो मैंने तब आखिरी बंद लिखा था कि तुम रेड सॉस पास्ता हो, मैं पराठे आचार सा, तुम अमीरों की हिचकी हो, मैं मिडल क्लास डकार सा, तुम डबल चीज पिज्जा में अपनी खुशी तलाशो हो, मैं माँ के दाल चावल में ढूंढता हूँ करार सा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत इत्र से निकलने वाली खुशबू हो। बेहद शुक्रिया सर, बेहद शुक्रिया। I only want comedy now whenever I'm in love. This is the kind of love I want. I was trying to do the Riya lol, but जो हंसी निकली थी ना मुझसे, अर्चना मैम की हंसी निकली मुझसे, I loved it. रजत, you were terrific man. इतना मजा आया, मस्त मजा आया. Thank you so much. और मैं बहुत कनेक्ट किया क्योंकि जब मैं कॉलेज पे था हमारा लाइफ भी ऐसा ही था. क्या बात कर रहे हो? देवर रिया, बड़े लोगों के साथ भी ऐसा है. मुझे लगा हमारी कहानी. अब बड़ा हुआ हूँ, आप भी. अच्छा पहले आप भी. But I completely enjoyed. I love you, man. I love Thank it. Amazing. So terrific. So. Terrific. वो तो अच्छा किया. जैसे सब लोगों ने कहा, मैं कुछ अलग तो कह नहीं सकती. सबसे मैं एग्री करती हूँ, बहुत ही सहजता से, बहुत ही अच्छे से, बढ़िया. एक तरह ना टेढ़ा हो रखा, ऐसा हो रखा है ये थोड़ा. सब भाभी से क्यों डरते हैं? भाभी आते से पता लग रहा सर आदमी है. इन्हें रिया के लिए गाया ना. हमें अपने पति का याद आ गया. इरशाद, इस पे मैं कहना चाहती हूँ. इरशाद, साबुन सिर पे लगाते हैं
मुंह शैम्पू से धोते हैं, नल्ले हैं बहुत ज्यादा, साबुन सिर पे लगाते हैं, मुंह शैम्पू से धोते हैं, बाइक को धूप पे खड़ी कर देते, उठ उठ के चलाते हैं। मैं बस आज पहली बार मुझे जिंदगी में वो मौका मिला कि मैं अपने माता पिता के आगे परफॉर्म कर पाया। तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुझे ये मौका देने के लिए। आप बहुत धन्य हैं, आपका बेटा बहुत होनहार है, बहुत आगे जाएगा, ही इज वेरी टैलेंटेड और आप वाकई में बहुत ही लकी पेरेंट्स। आज पराठा नहीं आंटी ब्रुशेटा दे दो। सब स्टार्स मौन व्रत रख ले तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा यार, ये एक इंसान है ना जो कई लोगों की आवाजें बखूबी निकालता है, जिनकी आवाज ही है उनकी पहचान। प्लीज वेलकम जय विजय सचान। वाह 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 वाह, तो फाइनली आज हम लोग पहुंच गए हैं इंडियाज लाफ्टर चैंपियन के फाइनल्स में। एक बार हमारे मेहमान के लिए जोरदार तालियां। और अनन्या, यस भाई, चंकी से जाके बोलना कि उसके पास मेरे 5 लाइटर है, वापस करे वो। शेखर जी, अर्चना जी, जी जी, आपको पता था ना कि लॉकडाउन फर्स्ट जब पार्टी हुई सलमान भाई के फार्म हाउस पे, कितना ज्यादा वहां पर केओस हो गया। लॉकडाउन जब बढ़ा तो लोग एक दूसरे की शक्लें नहीं देखना चाह रहे थे। अच्छा। लेकिन बाद में लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ, अब उसके बाद ऐसी सिचुएशन हो गई कि सबका दिमाग सटक गया, एकदम पागल हो गए, अजीब अजीब किस्म की लोग हरकतें करना शुरू कर दी। इन लोगों ने कोई पेड़ पौधों से बातें कर रहा है, कोई जानवरों से बातें कर रहा है, हमारे नाना घोड़े से बात कर रहे हैं। कैसे बताऊं तू मेरे लिए क्या है? हाँ, तू गीत है, संगीत है, मनप्रीत है, हरप्रीत है, गुरप्रीत है, जिंदगी का साज है, अल्फाज है। हाँ, कैसे बताऊं तू मेरे लिए क्या है? नाम क्या है तेरा? अच्छा नाम है, अच्छा नाम है। फरहान ने देख लिया कि ये कुछ बात कर रहे हैं घोड़े से, वो भाग के आ गए। ओह ओह, हाय नाना, चेहरे पे मास्क लगा रहे हो तो जिंदा हो तुम, हाथों को सैनिटाइजर से साफ कर रहे हो तो क्यों शर्मिंदा हो तुम? कैसा है तू फरहान? मैं एकदम अच्छा हूँ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपका मूड कैसा है? अगर तू गाना नहीं गाएगा तो अच्छा है। यू नो, आज मैं यहाँ पर गाना गाने नहीं, गाना सिखाने आया हूँ। ये घोड़ा भी मना कर रहा है। बीच में घोड़ा। प्लीज नाना, प्लीज एक बार करते हैं। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर। नो नो, सावन का महीना पवन करे शोर, पवन करे शोर। नो, पवन शोर, पवन शोर। नो, सावन का महीना पवन करे शोर। अरे क्या है? हाँ, काय को बचा रहे ला? पवन इतना शोर दिमाग खराब करके रख दिया है। अरे नहीं बचाना, क्या है ये? हाँ, इधर में लॉकडाउन में साला फंस पड़ा है, इसको गाने की बजाय अरे काय को गाने का है, दिमाग सटक गया है। ऊपर वाले ने दुनिया बनाई, नीचे पवन करे शोर, पवन करे शोर। अरे काय को पवन करे शोर? यहाँ पर ये जो बेचारे ये गाने से परेशान थे, और वहां पर शेट्टी साहब जो है खाने से परेशान है। जैकलीन उनको जो है यूट्यूब के वीडियो देख देख कर अजीब किस्म के अतरंगी खाने खिलाती है। ये डलगोना काफी तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद में लज़ानिया बुसीटा रानो ठीक ना, अजीब किस्म का ये यहाँ पे डिशों का नाम है। बोलने में मेरी जबान टेढ़ी हो जाती है। मुझे अपनी माँ के हाथ की दाल खानी है, बाप के हाथ के टिंडे खाने है, चाचा के हाथ के चावल खाने है। शक्ति देना वाहे। त्रिपाठी जी भी बगल में बैठे थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। माय गॉड।
गॉड, ये लज़ानिया का है। कल हम भी लज़ानिया खा रहे थे, हमारे मुंह में फंस गया। निकालने के लिए फिर ब्रुसेटा से निकालना पड़ा हमें। और जानते हैं, कल ये जैकलिन राजपाल से बोली कि रोसोटो खाओगे तो साला खुशी के मारे मुंह से झाग छोड़ दिया। और वहां पर ना ऋतिक स्विमिंग पूल एरिया में सर जो से पैर लटका के बैठा हुआ आदमी। अब अजय उनको देख लेते हैं। अरे क्या हुआ टू गो, इतना मुंह लटका के क्यों बैठा है? और आज तू बोल भी नहीं रहा। हार्ट डिजीज रोशन है, तुझे बोलना चाहिए ना। क्या हुआ तुझे? It's too much. I don't know what to do. It's getting personal. Danny साहब ने मुझे परेशान करके रखा है। मेरे पीछे ऐसे पड़े जैसे मैं कोई 90s की हीरोइन हूँ। I mean, याद ही मुझे आते जाते छेड़ता रहता है। मेरे अंगूठे को देख के मुझको चिढ़ाते हैं। मुझको बोलते हैं कि तुम्हारा अंगूठा नहीं, ये तंबूरा है। जलते हैं वो तुझसे। शायद उन्हें पता नहीं कि तेरे अंगूठे से कितना काम हो सकता है। जब तू वीडियो देखता है तो लाइक और डिसलाइक बटन एक साथ लाइक कर सकता है। नूडल्स खाते टाइम तुझे फोर्क की जरूरत नहीं पड़ सकती। लोगों की तो पांच उंगलियां घी में होती हैं। तेरी तो एक्स्ट्रा वाली भी है। आई मीन वो सब तो ठीक है। कल रात को उन्होंने मुझसे 17 बार कहो ना प्यारे पे डांस कराया। और पूरी रात थकने के बाद मैं सुबह जब बगीचे पे गया तो कुत्ते मुझको देख के चिढ़ा रहा है। बेचारा राजपाल एक जगह बेचारा मदहोश सा बैठा हुआ है और अंदर कुछ और बड़बड़ा रहे। नसीर साहब सुन रहे हैं, अरे कह रहे हैं ये साला देख रहे हो ये करुणा है कि भागने का नाम नहीं ले रहा, ऐसा लग रहा है कि कोई घर आया पुराना रिश्तेदार है। देखो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, नहीं है परेशान होने की जरूरत। भाई जैसे ये लॉकडाउन खुल जाए तुम RT-PCR करा के अपने गांव चले जाना। अरे मैं RT-PCR नहीं, मैं डायरेक्ट तत्काल कराएगा। RT-PCR मतलब ये कोरोना का टेस्ट होता है। अरे भैया ये कोरोना के चक्कर में आजकल ऐसे ऐसे शब्द सीख गए हैं कि दिमाग काम नहीं करता है। अरे पहले वो क्वारंटीन सीखे, जैसे तैसे उसको सीखे, उसके बाद में नया शब्द आ गया रेमडेसिविर। अब रेमडेसिविर सीख लिया, उसके बाद में आ गया हाइड्रोक्लोरोक्विन। अरे ये सब सीख लिए लेकिन साल ये लोग अभी तक जो है वैक्सीन नहीं बना पा रहे। अरे भैया हम तो कहते हैं कि अगर वैक्सीन नहीं बना पा रहे हो तो वायरस को देखने वाला चश्मा बना दो, साले से चप्पल से कूट कूट के वायरस को मार देंगे हम। नवाज एक दिन बहुत परेशान थे तो इन्होंने जूम कॉल पे एक मोटिवेशनल स्पीकर से बात की। सैड गुरु, कैन यू टॉक अबाउट लाइफ? इफ यू आर सैड, डोंट बी सैड। अरे मेरे को मालूम नहीं है कि आप अभी क्या बोले, लेकिन मेरे को सुन के बहुत मस्त लगे। अभी गुरुजी मेरे को एक बात बोलने का है। मेरे को ना अभी इस लॉकडाउन में बहुत सफोस्टिकेशन हो रहा है। आई थिंक यू टॉकिंग अबाउट सफोकेशन। हाँ वही 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 बोला। नाउ टेल मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम। अभी क्या है ना कि त्रिपाठी जी क्या किया, किसी ऐसा गुरु गुरु को सुन लेना, उसके बाद में बरगद का पेड़ के नीचे बैठ के ऐसा आम ब्रह्मस्मि ऐसा करता रहता। तो मेरे को बहुत टेंशन होता है। व्हाट इज ट्रबलिंग यू? Tell me. Problem ये है कि मेरे को ऐसा बार बार बुला के मेरे को गोदी में बैठा लेते हैं। अभी कुछ ऊंच नीच हो गया तो भी जवाब कौन देगा? शेखर जी सब लोग इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार लॉकडाउन की खबर आने वाली है, लगता खुलने वाला है। अरे भाई साहब, अरे वाह 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 वाह, अरे दैया 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 दैया, अरे भाई साहब, अरे ये देखिए, अरे लगता है क्या तो है भाई साहब, आज आज खबर आने वाली है, लगता है हम लोग बाहर जा पाएंगे। अरे अरे हम तो कहते हैं कि सबसे पहले अगर हमको बाहर जाने का मौल गया सबसे पहले तो हम यहाँ पर रसगुल्ला खाएंगे। अरे हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अरे मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, मालूम है कि इधर पहले संडास पे बैठ बैठ के मेरे को बहुत प्रॉब्लम था, अपने वाले पे जाएगा लाइफ एकदम सेट हो जाएगा, मेरे को उधर पे ही जाने का है। सही कहा तूने, बहुत दिन से मैंने भी नहीं खाई है, मैं भी जाऊंगा। बोलो बोलो बोलो, बाकी तो तुम लोग समझ ही गए होगे।
ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। जय विजय, हम तो पहले से ही आपके मुरीद थे लेकिन अब तो और भी बड़े मुरीद हो गए हैं। जय विजय, इट इज सो डिफिकल्ट टू डू व्हाट यू डू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। सो वंस अगेन थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जय विजय, जो तुमने परफॉर्म किया, आई थॉट कि अगर मैं बैठ के बोलूंगा और तुम्हारी तारीफ करूंगा तो वो धृष्टता होगी। अरे सर, जो सम्मान के हकदार हो तुम, उसके लिए खड़े होकर तारीफ करना बहुत जरूरी है किसी कलाकार के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय, हमारे लिए मान सम्मान की बात है कि तुमने इस मंच की तकदीर को पलट दिया। थैंक यू सो मच विजय, आई थिंक यू नो दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट टैलेंट्स। जय विजय, आपने तो वाट लगा दी, परफॉर्मेंस की वाट लगा दी, 100% वाट लगा दी। जो आपने एनर्जी डाला स्टेज पे, जो नॉन स्टॉप इतने वॉइसेस किया आपने, एंड आई थिंक यू हैव वन स्लाइट एडवांटेज बिकॉज सबकी फेवरेट एक्टर्स थ्रू आप परफॉर्म करें, आपका कॉमेडी थ्रू। There'll be people who love Salman Bhai, Hrithik sir, doing your comedy through them. So there's one, jo ek immense connect rehte hai audience mein. Yeah, that's so true. I grew up in a hostel, to utna cinema nahi dekha. Phir bhi jab bhi aapne voice change kar raha tha, main follow kar raha tha ki kaun kaun hai. It was terrific, like amazing, amazing show. Congratulations to you. Thank you so much. आई थिंक मेरे मुंह में 5 मक्खियाँ रह रही है बिकॉज द होल टाइम माई माउथ वॉज जस्ट ओपन। आई वॉज इन शॉक। आई थिंक एट दिस पॉइंट आप मेरी आवाज़ मुझसे बेटर कर सकते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। आई हैव नो वर्ड्स, लाइक सो आई फेल कि मैं 50 पिक्चरें देख रही हूँ एक साथ। इट वॉज जस्ट ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच, टू गुड। थैंक यू। आप प्लीज़ एक और बार पंकज जी की आवाज़ निकालिए ना प्लीज़। माई फेवरेट टू। अब देखिए, आपने रिक्वेस्ट किया है मकबूल भाई, देखो एक काम की व्यवस्था करो, पूरे जो है उत्तर प्रदेश बिहार में एक बात याद रखना, बिटिया की पिक्चर कहीं भी लगेगी देखना जरूर, पूरा समर्थन होना चाहिए। थैंक यू। ये पी ले। अरे इधर फिट क्या कराया हुआ है तूने? कुछ फिट किए हैं उधर। हाँ, हमारे हस्बैंड को सिखाइए ना कुछ ऐसा। आपके हस्बैंड को भी सिखा दिया जाएगा, बुलाइए उन्हें, किसी दिन लाइएगा, थोड़ा बहुत आए ऐसा वैसा जो है सिखा देंगे भाई साहब। आर्ग्यूमेंट और झगड़ा करके कोई जीत सकता है? कुछ लोगों ने तो झगड़ा करते करते सेमीफाइनल जीत लिया और अब फाइनल में आ गए हैं। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, द आर्ग्यूमेंट कंटिन्यूज। प्लीज वेलकम शरारती एना और बेचारा विघ्नेश पांडे। शेखर जी, अर्चना जी, आप लोग फिनाले तक आ चुके हैं। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस रचेल, तुम भी फिनाले तक आ चुकी हो। एक मिनट, एक मिनट, ये तीनों तो फिनाले तक आने वाले हैं। माँ कसम, मेरे को रचेल का डाउट था। मेरे को लगा राजस्थान के दाल बाटी चूरमा आ रहे अगले कॉमेडी के सूरमा, ये मेरे को ही करना पड़ेगा। अरे हाय हाय, अनन्या पांडे। हाँ, नेट विघ्नेश पांडे। हेलो पांडे, पांडे पांडे, विघ्नेश पांडे। क्या? अच्छा हाँ, तेरी दहन आई है देख। नमस्ते। वाट लगा देंगे, वाट वाट लगा देंगे, लगा देंगे। एकदम, ये है विजय देवरा कोंडा और ये है विघ्नेश एनालोंडा।
वैसे तांडे को मिलने से पहले मेरा नाम भी अनन्या था, फिर लोग मुझे अनन्या तांडे समझने लग गए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे मेरे बात को चंकी तांडे दुलाने लग गए। अरे मेरे को और भी टेंशन है, जैसे ऑडियंस का मेरे को टेंशन नहीं है, मैंने सबको पैसा दे दिया है। अभी फिलहाल देखो अर्चना जी का भी कोई टेंशन नहीं है। क्यों? अरे सच शूट होने के बाद घर चले जाएंगे, ये यहीं बैठे रहेगी। कांग्रेचुलेशंस अर्चना जी, आप अगले शो में भी जा रही है। थैंक यू। अरे यार और शेखर जी का भी टेंशन नहीं है, वो भी यहीं बैठे रहेंगे। क्यों? यहाँ क्यों बैठे रहेंगे? अरे येड़े उधर क्या देख रहे, इधर देख, यहाँ बैठे रहेंगे मेरे दिल में। मैं कह रहा हूँ कि तुमको टेंशन क्यों नहीं है? अरे टेंशन क्या, कॉमेडी शो खत्म, आज इधर से सिंगिंग शो में जाऊंगी, इंडियन आइडल आ रहा है। एक मिनट यार, सिंगिंग शो में जाके तू क्या करेगी? वही जो यहाँ कर रही हूँ। क्या? काम नहीं करूंगी और घर तेरा चलाऊंगी। सिंगिंग शो है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रियाज करना पड़ता है। कोई भी गाना गाने से पहले एक आलाप सीखना जरूरी है। किसका बात सीखना जरूरी है? बात नहीं। आलाप जैसे ये देखो। हाँ ऐसा नहीं। ये कौन सा आलाप है? हो हो हो। हिलाना जरूरी है क्या? इसको ही आलाप बोलते हैं। काम करते हैं हम, आलाप बाद में करते हैं, हम नोट से सीखते हैं, ठीक है? नोट से गाना गा लेंगे। जैसे अभी देखो सी होता है, डी होता है, तो सुरिंदर सर को बताइए तुम कौन से नोट से गाना गाना चाहोगे? 500 के नोट से। सॉरी सॉरी सुरिंदर सर। हाँ सॉरी सुरिंदर सर, अगर बुरा लगा तो तांडे के तदले फोड़ दो। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सारे गामा से स्टार्ट करते हो। क्या? ओके। सानी धप मगरे सा सांडे डॉन एट्सा। ये क्या गाया तुमने? ये तमिल ने गाया मैंने। तमिल ने गाया? हाँ। एक मिनट, रोशेल को तमिल आती है? ये बिहारी तमिल है। बिहारी तमिल क्या है? वो शेखर सर समझ गए। ए तमिल, तेरे को हिंदी नहीं आती है ना? आती तो इसको होस्टिंग भी नहीं है। सुरिंदर तू बजा। ए, ए, क्या हर बार बजा बजा बजाओ? तेरा पर्सनल तबलची है क्या? देख पर्सनल तो अपने वाइफ का दिन नहीं है। मैं तुम्हें कुछ गाने सिखाता हूँ। एक कान काय को पकड़ रहे, क्या गलती की है तूने? मैं अपने उस्ताद को याद कर रहा हूँ। अच्छा तो गलती उनसे हुई है। मेरे को भी अपने उस्ताद को याद करना है। कर ले। उस्ताद को याद करते हुए नाक कौन पकड़ता है? जब मेरे उस्ताद उत्तर के सुर छेड़ते थे तब उनके नीचे के सुर छूट जाते थे। एक मिनट मैं गा रहा हूँ, सुनो अभी। लग जा गले के फिर ये हसी रात हो न हो, लग जा गले हे 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 हे। काय होता है? गाना समझ में आ गया ना? हाँ। अभी इसको गाओ अच्छे से। हाँ। लग गए क्या था? मैं गाना चेंज करता हूँ। हाँ प्लीज करिए, बहुत डेंजर गाना है। ये काली काली आंखें तुरुरु। गाना समझ में आ गया ना? हाँ। तू तुरुरु कर। ओके तुरुरु। हाँ कैसे ऐसा करना है? तुरुरु के तुरुरु। अगर तुमको मुझसे नहीं सीखना है ना तो तुम ही गाना गा लो। ये हुई ना बात। चुम्मा चुम्मा दे दे।
थैंक यू विग्नेश, तुमने पिछले कई हफ्तों से किस्म किस्म के एक्ट्स किए हैं जहां वेंट्रिलोक्विज्म को एक नया आयाम तुमने दिया. एना अब तक बोलते आई थी लेकिन ये गाना दिस वॉज सो अमेजिंग. अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विग्नेश. आई लव्ड इट. Thank you so much. Thank you so much. Vujum Tururu was the best part. And I had too much fun. It was amazing. Thank you so much. Thank you. मुझे आना actually एक person लगती है. I feel like she's alive and she's like a person. इतना character है उसमें. बहुत जबरदस्त. Thank you. I feel like I'm actually talking to someone. मुझे बहुत बुरा लगा ये act देखकर. अरे क्यों? क्योंकि विग्नेश मैं तुम्हें ही नहीं मैं आना को भी बहुत मिस करूंगी. थैंक यू रियली. थैंक यू. आई लव यू बोथ. थैंक यू. बहुत विजय गारू आई वांट टू डू दैट विद यू. क्या दैट विद यू? तकड़ा तकड़ी. थैंक यू सो मच. इन्होंने लाइफ को उल्टा पुल्टा टेढ़ा मेढ़ा करके देखा, इसलिए तो लाइफ के हर पहलू पर इनका कोई ना कोई फनी टेक है. इट इज तगड़दुम्बा टाइम. प्लीज वेलकम मुंबई से मुलगा नितेश शेट्टी. ये क्या है? ओ पीछे कोई बोल रहा था आज फिनाले है, स्टेज पे जाके फाड़ दे. और वो तो कुछ नहीं, आज फिनाले है तो मैं तुम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दे. क्या? एक्चुअली लोग झूठ बोलते हैं कि वो एक्चुअली RRR हिट था. एक्चुअली सच्ची का जो हिट था वो था RR, मतलब अपना रोशेल राव. क्या बात है. आपको लगता रहेगा मैं आते ही रोशेल का तारीफ क्यों कर रहे हैं? हाँ. क्योंकि पीछे कोई ये भी बोल रहा था कि रोशेल का तारीफ करेगा ना शेखर जी अच्छा नंबर देते हैं. वाह हिमांशु भवंडर बहुत मेहनती आर्टिस्ट है ये. हाँ. कल रात को मैं इसके घर पे गया उधर. हाँ. बोलते हैं सर मेरे को फाइनल का बहुत टेंशन आ रहा है. मैं बोला क्या हो गया रे, तेरे को जोक नहीं मिल रहा क्या? बोलते जोक मिल रहा है, इनको अच्छा व्हाट्सएप जोक नहीं मिल रहा है. ये देख जब भी सेट पे आते हैं पंकज त्रिपाठी का आवाज निकलता है. उस दिन पंकज त्रिपाठी एक सेट पे कहते जय विजय का आवाज निकला. ये देखो कार डांडा का हीरो. औरत के पीछे मर्द का हाथ है ये पहले बार ऐसा. नाइस वन. अपने इंडिया में मैंने देखा है म्यूजिक के लिए लोग बहुत पागल है. अभी देखो वो कुछ लोग इधर ऐसा तबला बजाने आते हैं किस लोग को, कुछ लोग ऐसा वायलिन बजाने के लिए आते हैं, कुछ लोग को गिटार बजाने के लिए आते हैं. लेकिन एक चीज ऐसा है इंडिया में जो सबको आता है बजाने के लिए. क्या? गाड़ी का हॉर्न. पापी पी पा 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 पी पा पा. इसलिए इसलिए आप कभी भी जाओ नेशनल हाईवे पे. हाँ. आप कितना भी आराम से बाइक चलाओ ऐसा. हाँ. कोई तो पीछे से ट्रक जरूर आएगा. नाइस नाइस. और उसके पीछे लिखा रहता है In case of rash driving, please contact. मैं उधर फोन किया, मैंने आपका ड्राइवर बहुत फास्ट चला रहे. बोलते फोन रखो मैं ड्राइवर ही बोल रहा हूँ. कि अपने इधर एक ऐसा चीज है जो दुनिया में किधर भी नहीं है, डिजाइनर स्पीड ब्रेकर. मतलब ऐसा स्पीड ब्रेकर रहता है जो बीच बीच में से खुद ब्रेक हुआ है. मतलब ऐसा आधा है फिर आधा नहीं है फिर आधा है फिर आधा नहीं है फिर आधा है. और एक होता है सरप्राइज स्पीड ब्रेकर. हाँ. आप ऐसा गर्लफ्रेंड को लेके जाओ किधर है रे किधर है इधर है इधर है. अरे इसको लाइन क्यों नहीं मारते?
नहीं नहीं लाइन मारेगा तुम स्लो होएगा, स्लो होएगा तो पीछे ट्रैफिक जाम हो जाएगा। और सुबह सुबह आप मेट्रो स्टेशन पहुंचो। मेट्रो क्या है, मेट्रो जब से आया ना देखो उसका थोड़ा पब्लिक अप मार्केट है उधर का थोड़ा मेट्रो का। सुबह सुबह आप जाएगा ना मेट्रो में बैठो, सब लोग ऐसा बैठते रहते हैं लाइन से लगते हैं और लोग का कॉन्वर्सेशन सुनो मेट्रो में। या नो आई हैव मेल्ड हिम 11 o'clock सो या या एक्चुअली नो ही सेड ही विल रिवर्ट बाय 2 o'clock या या वी हैव मीटिंग एट 4:30 राइट वी हैव राइट 4:30 ओके कूल। लेकिन यही आप लोकल ट्रेन में जाओ वहां का कॉन्वर्सेशन सुनो, भाभी आज तो लांबी सूखे का पेंट कल मारेंगे। ये इतना सोफिस्टिकेटेड पब्लिक है आपका पीछे आके खड़ा रहेगा लोग और मतलब मेट्रो का पीछे आके खड़ा रहेगा और बोलेगा एक्सक्यूज मी आप चकाला उतरेंगे क्या? नहीं नहीं आओ ना आओ कम यार या। लेकिन इसको लोकल ट्रेन में आके मालूम नहीं क्या होता है। ओह माय गॉड इसका हाथ अभी ऐसा था ना वो ऐसा होता है कुरला है क्या कुरला। अरे ये मेरा कूला है। सुबह ट्रेन पकड़ने को बहुत लफड़ा भी है एक्चुअली। आप देखो उधर प्लेटफॉर्म पे जो खड़ा रहता है ना ट्रेन पकड़ने के लिए, जैसे ट्रेन आया पहले वो बैग आगे डालता है ऐसा और जैसे वो अपना आंखों से डब्बा सेलेक्ट करता है किसमें जाने के और डब्बे के साथ वो भी येलो को देख के जो बाहर लटक रहा है उसको टेंशन आता है आराम से खाली है आराम से खाली है अंदर खाली अरे खाली है बोलो खाली है आराम से फिर ये बाहर बाकी सब अंदर फिर ये बाहर से घुसने का कोशिश करता है चलो चलो खाली है खाली अंदर चलो खाली है चलो खाली। और लोकल ट्रेन में एक पोस्टर ऐसा है जो मैंने देखा तो 70 साल से लगे ले बाबा बंगाली ऐसा लिखा है बाबा बंगाली वशीकरण स्पेशलिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट। ये कौन सा कॉलेज है जो वशीकरण में गोल्ड मेडल दे रहे और उसके नीचे लिखा कैसा रहता है देखे मूट करनी किया कराया कारोबार में नुकसान फिल्मों में काम वो फिल्मों का काम देख के मैं फोन किया उसका मैंने हेलो बाबा है क्या बोलते नहीं ऑडिशन देने गए बाबा बंगाली का जो पोस्टर रहता है ना वो आधा फड़िया रहते हैं उसके बाजू में कोई कंस्ट्रक्शन वाला अपना पोस्टर लगा के रहता है फिर वो पढ़ने में ऐसा लगता है आज ही पाइए अपने सपनों का घर मात्र 10 लाख रुपए में पाइए सौतन से छुटकारा फिर ये बाजू लिखा है नो स्टैम्प ड्यूटी नो रजिस्ट्रेशन ओनली वशीकरण वेरी गुड। एक अपना ये ट्रेन है और दूसरा अपना वो बाहर जाने का ट्रेन मुंबई से ऐसा जो जाता है ना यूपी वीपी सब उधर का जो अनाउंसमेंट है ना मेरे को आज तक समझ नहीं आया उधर जाएगा ना गाड़ी के डिब्बों के क्रमांक इस प्रकार है S1 12वां S2 13वां S4 महिलाओं के लिए S6 विकलांगों के लिए X7 17वां X9 18वां ऐसा लगता है नेहा कक्कड़ के बीच में टोनी कक्कड़ आ गया। आप सीजन में जाओ सीजन में इतना गर्दी रहता है ना आदमी घुसते ही पहला घुस जाते बैग बैग लेके कौन सा अपना अपना कौन सा अपना कौन सा है इधर आ उधर क्या उधर अपना अमला 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 65 अपने सामान रख दीजिए सामान रख 65 अपने 65 भाई साहब आप किधर उतरेगा खंडवा उतरेगा अच्छा अच्छा एक मिनट है ए दिवाकर तेरा RSC है ना रात को इधर सो ये खंडवा उतरने वाला है सुबह देखो वही बर्थ में वो आदमी सोया रहते ऐसा मत खो जाते उसको मालूम भी नहीं है रात को उसका खंडवा निकल गया। अभी ये देखो कुछ लोग का बजट जाता है तो लोग प्लेन से जाते हैं साला वो एयरपोर्ट में जाएगा ना तो उधर का तो अनाउंसमेंट ही समझ में नहीं आता क्या है चेंज टू गेट 7 ऐसा लगता है मैं मुंबई एयरपोर्ट पे क्या बीजिंग एयरपोर्ट पे। सुबह सुबह चेक इन में जाओ चेक इन में उधर लाइन लगा रहता है तो उसमें ऐसा कोई हनीमून कपल दिखता है ऐसा लड़की ने पूरा चूड़ा वीड़ा डाला है और उसके बाद 5 बड़ा-बड़ा सूटकेस है चेकिंग के लिए और वो लोग मालदीव्स जा रहे हैं जो पीछे रहते ना ये मालदीव्स में जाके लोग बिकनी पहनते ना तो इतना बैग में क्या लेके जाते हैं। उसके बाद देखो
जो कुछ लोग उधर है ना फुकट लोग रहते हैं, तो 5 घंटा पहले ही आते हैं फ्लाइट का, क्योंकि लोग पहली बार आए हैं। तो लोग क्या करते हैं, कांच लगा है ना, वहां से बैठ के प्लेन देखते रहते हैं। मेरा फोटो खींचना, फोटो खींच खींचे। और जैसे ही आदमी प्लेन में बैठते हैं, बैठ के सब पानी वानी पिया, एक तो पानी लोग इतना सा बॉटल में इतना देता है, इतना तो हम लोग चाय छोड़ते हैं। उसके बाद प्लेन ऐसा बैठा, सब लोग बैठा, और प्लेन जैसे उड़ा, हाँ। जो अंदर जितना भी लोग बैठे हैं, बोले क्या मन में, तुम्बा तुम्बा तगड़ तुम्बा 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 तगड़ तुम्बा तगड़ तुम्बा तुम्हारा दूसरा नाम करोना होना चाहिए, क्यों तुम डायरेक्ट लंग्स पे अटैक करते हो यार। थैंक यू। और तुम्हारे जो माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस है, इतने बढ़िया तरीके से तुम उसे करते हो, यू आर एन अनबिलीवेबल टैलेंट। हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू नितेश। हैट्स ऑफ टू यू। फैंटास्टिक। नितेश, तुम परफॉर्म करते हो, तुम एक्ट करते हो, तुम अपने राइटिंग करते हो, तुम स्टैंड अप करते हो, तुम जोक्स, तुम्हारा ह्यूमर, तुम्हारा प्रेजेंस ऑन स्टेज, आई मीन तारीफ ही करती रहूंगी मैं, तो ये फिनाले ही खत्म नहीं होगा, लेकिन यू आर माइंड ब्लोइंग। थैंक यू। तो हमारे खास मेहमान, उनको जानना पड़ेगा अभी, उनके लिए जोरदार तालियां एक बार और। This has been the best contest so far. India ka har flavor aapko is manch ne diya. Hasane ke liye itni excitement aur passion. This happens only on India's Laughter Champion. And to give us the results, may I please invite our wonderful judges Archie and Shekhu onto the stage. अर्चना, दिस इज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। ये वो घड़ी है जिसका हम इंतजार नहीं कर रहे थे, लेकिन वो घड़ी आ गई है। सो लेट्स गो गाइस, 3, 2, 1 एंड द विनर, एंड द विनर इज राजा। ₹25 लाख की राशि। बस यही कहना चाहता हूँ कि मैंने पहली चीज जो इस मंच पर बोली थी, वो मैंने बोली थी कि जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा। वाह वाह, क्या बात। यस, मुझे लगता है कि कुदरत जो है वो अपना काम करती है, कि आप बस लिखते रहो, सच्चे दिल से काम करते रहो, तो कुदरत ने ये सच कर दिखाया। थैंक यू सो मच। सो नाउ ladies and gentlemen, we have the pleasure and the privilege to announce the first runner up is Nitesh Shade. Second runners up of tonight, लेकिन वो एक नहीं, वो दो है। It's a tie between two contestants, and those two lucky contestants are Jay Vijay and Vignesh Pandey.